नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉग मॉर्फोलॉजी. फ्रॉग दिखता कैसे ये अब हम देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट उसकी स्किन के बारे में डिस्कस करते हैं. स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी. आपने देखा होगा कभी स्किन अगर उसके अपन कभी टच हो जाए तो दिखता है ऐसा कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जिसके कारण वो थोड़ा सा स्लिपरी और स्मूथ नजर आता है. तो स्किन जो होती है वो होती है स्मूथ एंड स्लिपरी. और क्यों ऐसा है अगर आपसे कोई पूछेगा क्यों स्मूथ और स्लिपरी होती है तो उसका रीजन है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. म्यूकस आप सभी जानते हैं जैसे माउथ में निकलता है दैट इज द म्यूकस. अपन ने स्टमक में पढ़ा है कि स्टमक की वॉल के आसपास क्या होता है म्यूकस. और जब भी म्यूकस होता है तो उसके कारण क्या हो जाता है थोड़ा सा चिपचिपापन. तो स्किन फ्रॉग के स्मूथ एंड स्लिपरी होती है. व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. क्लियर? नाउ एंड स्किन की खासियत मेंटेन्ड इन ए मॉइस्ट कंडीशन. ये मैंने अभी आपको कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्किन मॉइस्ट नहीं होगी तो वो सांस भी नहीं ले पाएगा. इसीलिए तो वो गर्मी के अंदर बरों में चला जाता है. दैट इज नोन एज समर स्लीप एस्टाइवेशन. क्योंकि अगर स्किन मॉइस्ट होगी तभी उससे उसको सांस आ पाएगी. दैट मीन्स रेस्पायरेशन में जो मदद चाहिए वो स्किन के मॉइस्ट होने में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर स्किन मॉइस्ट नहीं होगी तो उसको रेस्पायरेशन में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी. इसीलिए वो अपनी स्किन को मॉइस्ट बना के रखता है. मेंटेन्ड इन ए मॉइस्ट कंडीशन. इसके लिए उसकी स्किन से कंटिन्यूअसली क्या निकलता रहता है म्यूकस विच मेक्स इट स्मूथ एंड स्लिपरी. तो दैट इज अबाउट द स्किन. क्लियर? सेकेंड कलर ऑफ द बॉडी. अभी अपन ने जैसा बात करी थी इट विल चेंज इट्स कलर बट नॉर्मली उसका कलर कौन सा होता है वो केवल अपना कलर कब चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग बट वो फिर से अपने नेचुरल कलर में आ जाएगा. तो व्हाट इज द कलर डॉर्सल साइड पीछे की ओर. अगर हम फ्रॉग को देखेंगे तो रखा हुआ है तो जो पोर्शन हमें नहीं दिखेगा वो उसका वेंट्रल साइड और जो आपको दिखेगा वो कौन सा होगा डॉर्सल. वेंट्रल किधर जाएगा पांव के नीचे चला जाएगा. तो यहां पर डॉर्सल साइड में कौन सा कलर है दैट इज द ऑलिव ग्रीन कलर. आपने ग्रीन कलर समझते हैं ऑलिव ग्रीन इज द कलर फॉर डॉर्सल साइड विथ डार्क इररेगुलर स्पॉट्स और उस पर कुछ ऐसे धब्बे नजर आएंगे. दैट इज द स्पॉट्स इररेगुलर. कोई जरूरी नहीं है कैसे शेप का हो इररेगुलर स्पॉट्स उसमें दिखेंगे. अभी एनिमेशन में आपको और अच्छा समझ में आएगा. वेंट्रल साइड क्लियर हो गया जहां पांव है एंड इट इज पेल येलो इन कलर. वेंट्रल साइड येलो कलर की तो डॉर्सल कौन से कलर की हो गई ग्रीन. तो फ्रॉग आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है विद उसमें स्पॉट्स नजर आ रहे हैं और जो पोर्शन नहीं दिख रहा है दैट इज द वेंट्रल साइड वो कौन से कलर का है दैट इज द पेल येलो. एंड फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर. कभी पानी नहीं पीता है बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन. अभी पढ़ा म्यूकस ताकि उसकी स्किन गीली रहे उसको मॉइस्चर बना रहे जिससे उसको रेस्पायरेशन में मदद मिले. तो नेवर ड्रिंक्स वाटर. कभी पानी नहीं पीता है फ्रॉग बट एब्जॉर्ब करता है किसके थ्रू स्किन के थ्रू. तो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है पानी की जैसे आज आप पानी पीते हैं ताकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो तो फ्रॉग पानी पीता नहीं है एब्जॉर्ब करता है किसके थ्रू स्किन के थ्रू. तो दैट इज अबाउट द कलर एंड स्किन. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बॉडी डिवीजन. बॉडी डिवीजन पे आते हैं. देखिए कोई भी अगर आपने अगर यहां पर अपन डॉग कैट काउ किसी को भी देखिए उसके अंदर हेड होता है एक नेक होता है एक ट्रंक होता है और एक टेल होता है. ठीक है सभी का स्ट्रक्चर में यही है एक टेल ट्रंक नेक और हेड. बट फ्रॉग के अंदर हेड और ट्रंक तो है बट नेक और टेल नहीं है. आ रहा है ये क्लियर? ध्यान रखिएगा हेड और ट्रंक तो है बट नेक और टेल अब्सेंट है. तो बॉडी इज डिविजिबल ओनली इनटू टू पार्ट्स दैट इज द हेड एंड ट्रंक. क्लियर? नाउ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट. नॉस्ट्रिल जो हम सांस लेते हैं जिसके थ्रू जैसे अपन ने सांस अंदर ली तो जिसके थ्रू सांस अंदर जा रही जिसको कहते हैं ना हम इंटरनल नेयर्स. तो दैट इज द पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल. जैसे हमारे अंदर भी पेयर है नॉस्ट्रिल के नोज के बाहर जो रहते हैं उसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. तो यहां पर भी पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट. जैसे आपने काऊ के अंदर देखा होगा काऊ जब सांस लेती है तो उसमें देखते हैं बड़े बड़े दो नॉस्ट्रिल नजर आते हैं दैट इज द नॉस्ट्रिल. तो ऐसे ही फ्रॉग में भी वहां पर दो नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं. पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट. ये स्किन से तो सांस लेता ही है बट इसके अंदर लंग्स भी होते हैं तो इसलिए उसमें नॉस्ट्रिल भी है जिसके थ्रू एयर लंग्स में भी जाएगी. तो अभी हम देखेंगे फ्रॉग में अलग अलग तरह के रेस्पायरेशन होते हैं. नाउ आईज आर बल्ज्ड. बल्ज्ड मतलब निकली हुई.
जैसे अभी आपके आंख अंदर है लेकिन उसकी आंख बाहर आती है, दैट इज बल्ज्ड आईज, निकलना। जैसे अपन किसी पे गुस्सा करते तो कहते हैं आंख निकालना, तो दैट इज बल्जिंग। तो आईज आर बल्ज्ड, बल्ज्ड है। प्लस जैसे आपकी आईज किससे कवर है, आपकी जैसे आईलिड, दैट इज द आईलिड जो आपकी आंखों को कवर कर रहा है, दैट इज द आईलिड। बट इसके अंदर आईलिड नहीं होती है, इट इज कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि हमारे अंदर कई साल पहले हुआ करती थी बट अब वेस्टिजियल ऑर्गन है। आप जैसे जानते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इट इज वेस्टिजियल बट पहले तो होता था। सिमिलरली निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पहले हुआ करती थी बट वो अब वेस्टिजियल हो गई है क्योंकि उसका फंक्शन आईलिड ने ले लिया, प्रोटेक्शन ऑफ अवर आईज। ऐसे ही फ्रॉग के अंदर आईलिड नहीं होती है, आईज बल्ज्ड होती है और कवर्ड होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन वाटर, और वो उसकी आंख को बचाता है जब वो पानी में होता है। तो फंक्शन क्लियर है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन वाटर, क्लियर है, और आईज पे आईलिड नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट, अभी अपन ने ईयर अगर समझा है तो ईयर का बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ईयर, ये हमारा जो दिख रहा है पिन्ना। बट ऐसा कुछ भी फ्रॉग में नहीं होता है, तो फ्रॉग में आईज के ऊपर भी आईलिड नहीं है और ईयर भी बाहर नहीं है, मतलब सीधा आपका क्या आ जाता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मतलब ईयर ड्रम जो हमारा काफी अंदर है, पहले एक्सटर्नल ईयर, फिर एक पूरी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, फिर आता है आपका ईयर ड्रम, लेकिन इसमें ऑन आइदर साइड ऑफ आईज मेम्ब्रेनस टिम्पेनम, दैट इज द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर रिसीव्स साउंड सिग्नल। तो उसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तो है बट इट इज प्रेजेंट एक्सटर्नली, मतलब वो साउंड सीधा जाके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे गिरता है। आपका साउंड पहले काय पे आता है, आपके पिन्ना, पिन्ना से एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, और फिर जाके गिरता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, और काफी अंदर है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, लेकिन फ्रॉग के अंदर साइड में ही प्रेजेंट है आइस के, दैट रिसीव्स साउंड सिग्नल, क्लियर ये भी। देन लिम्स, अब उसके पांव, आपने देखा होगा पांव इस तरह का उसका रहता है, तो लिम्ब काय काय में मदद करता है, स्विमिंग, जब वो पानी में रहेगा, हम एम्फीबियन पढ़ रहे हैं, लैंड और वाटर दोनों में रहता है, तो स्विमिंग, वॉकिंग, उसके चलने में, लीपिंग, उछकने में, आप देखते हैं फ्रॉग ऐसे उछक उछक के आगे जाते हैं, दैट इज नोन एज लीपिंग। एंड लास्ट बरोइंग, जब उसको समर स्लीप या विंटर स्लीप में जाना हो तो इट विल गो इनसाइड द बरो, तो दैट इज द बरोइंग। तो इन सब में इसकी मदद कौन करता है, लिम्ब। अब लिम्ब दो तरह के, जैसे आपके अंदर भी दो तरह के हैं, फोर लिम एंड हाइंड लिम, तो यहां पर भी पहले हाइंड लिम, पीछे वाले लिम, फाइव डिजिट, आपके हाथों में भी पांच है और पांव में भी पांच है, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, आपके फोर लिम और हाइंड लिम दोनों में पांच डिजिट है, बट फ्रॉग के हाइंड लिम में तो फाइव डिजिट है बट फोर लिम्ब में फोर डिजिट ही है, चार ही है, मतलब इस तरह से चार रह गए, एक नहीं है, तो पीछे वाले पांव में तो पांच लेकिन आगे वाले पांव में चार होता है, और प्लस पीछे वाला पांव लार्जर एंड मस्कुलर, ज्यादा दमदार भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं जब फ्रॉग को जंप करना हो तो पीछे वाले पांव को दबाएगा तभी तो आगे की ओर उचकेगा, तो दैट इज नोन एज कि पीछे वाला पांव, हाइंड लिम इज लार्जर एंड एज वेल एज मस्कुलर। और एक और डिफरेंस, हाइंड लिम में पांच डिजिट होती है, फोर लिम में चार होती है, आएगा समझ में। देन फीट, फीट इज वेब्ड डिजिट, हेल्प इन स्विमिंग। देखिए आपके हाथ के बीच में कुछ भी नहीं है बट इनके इसके बीच में भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, वेब, जाल प्रेजेंट रहता है, मतलब यहां पर भी उसके बीच बीच में ऐसा जाल बना हुआ है, ये अलग अलग नहीं होती है, इसके बीच में भी जाल बना हुआ रहता है, तो दैट इज, एक बार बनाते हैं हम, देखिए इस तरह से, जैसे ये दो डिजिट है तो ऐसा बीच में जाल बना हुआ होगा, समझ में आ रहा है, तो दैट इज द वेब्ड फिट, और ताकि काय के लिए वो स्विम कर सके आराम से, तो फोर लिम सॉरी फीट वेब्ड डिजिट होती है, मतलब जो डिजिट उनके फिंगर से उनके बीच बीच में जाल रहता है, काय के लिए, हेल्प इन स्विमिंग, ताकि वो आसानी से तैर सके। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। फ्रॉग में भी जैसे आज हम ह्यूमन बीइंग में आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है, तो दोनों अलग अलग दिखते हैं, तो दैट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, दोनों सेक्स मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग दिखना इज नोन एज डाइमॉर्फिज्म।
आ रहा है ये क्लियर? अब कैसे पहचानेंगे? तो मेल फ्रॉग की कुछ प्रॉपर्टी है। मेल फ्रॉग की प्रॉपर्टी फर्स्ट है साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैग। आपने सुना ही होगा फ्रॉग का साउंड, जब बरसात के दिनों में अपन देखते हैं आवाजें आती रहती हैं, तो वो फ्रॉग की, मेल फ्रॉग की होती है, क्योंकि मेल फ्रॉग कंटेन्स साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। जैसे हमारे गले में होता है वोकल सैक, इन विच वोकल कोड्स आर प्रेजेंट विच वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड, ऐसा ही मेल फ्रॉग में रहता है, दैट इज द वोकल सैक। और दूसरी क्या खासियत है? कपिलेटरी पेड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम। कपुलेटरी पेड, कपुलेशन मतलब होता है मेल का फीमेल के साथ अटैच होना। तो मेल फ्रॉग के पास फीमेल से अटैच होने के लिए एक कपुलेटरी पेड प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो फीमेल से अटैच होगा। और वो कहां होता है ये भी याद रखना है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम। जैसे आपके इसमें होते हैं फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही उसके फर्स्ट डिजिट पे। और फोर लिम्ब हैं तो उसके कितने डिजिट हैं? केवल चार। तो उन चार में से जो सबसे पहला डिजिट है उस पर प्रेजेंट होता है कपुलेटरी पैड। तो दो खासियत है मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करने की, मेल में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होगा और दूसरा उसके अंदर कपुलेटरी पैड होगा। कौन से डिजिट पर? फर्स्ट डिजिट पर। कौन से लिम्ब में? फोर लिम्ब में। और यही चीज किसमें नहीं होती है? फीमेल फ्रॉग में। तो हम मेल और फीमेल को आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे।